फाइनली OnePlus 11R इंडिया पर लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों OnePlus 11R पर OnePlus जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो प्राइस रेंज रखा है, इस प्राइस रेंज में इस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये वाला फोन परचेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियो के लिए देखिए स्टार्ट कीजिए, अब तक देखिए और इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग एंड ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों OnePlus का जो 9R आया था, 9R काफी हीट हुआ था, उसके बाद 10R जो लॉन्च किया था OnePlus उतना हीट नहीं हुआ, क्योंकि उधर जो स्पेसिफिकेशन OnePlus दिया था उस स्पेसिफिकेशन वाइज जो प्राइस का रेशियो था अच्छा नहीं था। OnePlus 10R एक्चुअली एक फ्लॉप फोन है, बट 11R में OnePlus बाउंस बैक किया है और इधर जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, वाकई में बहुत अच्छा है। देखिए डिस्प्ले का सेक्शन पर आपको 6.7 इंच का एमुलेट कार्ट एमुलेट पैनल देखने के लिए मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 40 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज, ये जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज वाला जो गेम है ना, एडेप्टिव रिफ्रेश रेट होता है, इस 120 हर्ट्ज में आपको एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा, नैरो बेजल है, थिन टाइप का आपको बेजल देखने के लिए मिल रहा है, मतलब आपको जो इधर डिस्प्ले OnePlus प्रोवाइड कर रहा है, एक फ्लैगशिप ब्रांड का, जेन्युइन फ्लैगशिप ब्रांड का आपको डिस्प्ले OnePlus प्रोवाइड कर रहा है। और आपको परफॉर्मेंस का सेगमेंट, मतलब प्रोसेसर का सेगमेंट में भी आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर OnePlus प्रोवाइड कर रहा है। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 8 प्लस जनरेशन 1 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, 11 लाख आपको स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, 1 मिलियन से ज्यादा आपको अंतर स्कोर देखने के लिए मिलेगा, जो वाकई में बहुत अच्छा है। और ये वाला प्रोसेसर भी टेस्टेड प्रोसेसर है, उतना ज्यादा हीट भी नहीं होता है, अच्छा एक प्रोसेसर है। और इधर जो कैमरा सेटअप मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको जो मेन कैमरा सेंसर मिल रहा है ना 50 मेगापिक्सल, वो है सोनी का IMX890 का सेंसर, सेम टू सेम सेंसर आपको OnePlus 11 पर देखने के लिए मिल रहा है, कल ही लॉन्च हुआ है OnePlus 11, सेम टू सेम सेंसर आपको प्राइमरी सेंसर के हिसाब से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वॉइस का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलेगा, EIS का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा सेंसर भी है एंड 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो सेटअप भी देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको इधर 16MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, 4K 60fps तक आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो रिकॉर्डिंग पर, क्योंकि इधर जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर कैपेबल है, वर्ल्ड एक ऑप्टिमाइजेशन आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, टाइप सी कनेक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएगा आपको इधर, OnePlus का जो साइलेंट वाला जो बटन है, वाइब्रेशन वाला जो बटन है आपको वो डेडिकेट देखने के लिए मिल जाएगा, 5000mAh का बैटरी है, इनबॉक्स आपको 100W का चार्जर का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो देखने के लिए नहीं मिलेगा वो है 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट। देखिए सॉफ्टवेयर का सेक्शन पर आपको इनबॉक्स OnePlus का जो ऑक्सीजन UI है, ऑक्सीजन UI के साथ आपको एंड्रॉइड 13 का एक्सपीरियंस इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, आपको मिनिमम 4 ईयर का अपडेट भी इधर देखने के लिए मिलेगा। जो वेरियंट एक्चुअली OnePlus लेके आया है ना, आपको बेस वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा 8GB रैम के साथ, आपको 128GB का इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट, कोई भी डेडिकेट मेमोरी कार्ड का स्लॉट आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट जो सेकंड वेरिएंट है आपको 16GB रैम का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा और आपको 256GB इंटरनल मेमोरी का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। और इधर जो रैम है LPDDR5X वाला है एंड इंटरनल का जो स्टोरेज इधर यूज किया है UFS 4.0, मतलब सुपर फास्ट आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी का प्राइस OnePlus इंडिया के लिए रखा है 39,999 रुपीज, मतलब 40,000 रुपीज, एंड 16GB रैम 256GB इंटरनल मेमोरी का जो वेरिएंट है उस वेरिएंट का प्राइस है 44,999 रुपीज, मतलब 45,000 रुपीज। तो दोस्तों एक्चुअली आपको ये वाला फोन खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, देखिए 10R जो था 10R से काफी अच्छा एक अपग्रेड वर्जन है 11R, और इसका जो प्राइस है 140,000 में आपको एक्चुअली लेना चाहिए, और इसका प्राइस रेंज 37,000-38,000 होगा, तो ऑफर में शायद आ जाएगा इस प्राइस रेंज में, तो एक किलर डील बन जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर देखिए मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है, आपको सोनी का जो कैमरा इधर देखने के लिए मिल रहा है, सेम कैमरा का सेंसर आपको OnePlus 11 में फ्लैगशिप फोन में भी देखने के लिए मिल रहा है, एमुलेट का पैनल वगैरह सब कुछ एक कॉम्बिनेशन जो है ना ऑलराउंडर वाला पैकेज है। तो दोस्तों इस फोन के लिए आप लोग जा सकते हो, और आप में से कौन कौन OnePlus का फोन अभी यूज कर रहे हो और इस फोन के लिए जा रहे हो, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।